पाको की रसोई में आपका स्वागत है। तो यहाँ आप बन रहे हैं मोमोज की चटनी, बहुत ही तीखी वाली चटनी बन रही है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज लग रहा है, क्योंकि इसमें मैंने कोई फूड कलर नहीं डाला है, रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाने वाले हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने लिए हैं लाल मिर्च, और ये लाल मिर्च बहुत ही तीखी वाली, इसलिए थोड़ा सा मैंने कम ली है। और यहाँ लिए हैं लहसुन की कलियाँ, मैंने छील ली है 10 से 12। और यहाँ मैंने अदरक के छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। और यहाँ मैंने ली है हरे धनिया की डंडी, ये बहुत ही ज़रूरी है, रेस्टोरेंट स्टाइल में इसे बनाते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है, सारे रेस्टोरेंट में ये ज़रूर से डालते हैं, तो आप इसे ज़रूर से डालिएगा। तो सबसे पहले मैंने तेल गर्म कर लिया है पैन में, उसके बाद हमने लिया है 1 चम्मच जीरा, और जीरा अच्छे से चटक जाए तब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन की कलियाँ। तो हमने डाल लिया है और इसे अच्छे से हम भूनेंगे, बिल्कुल ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस थोड़ा सा हल्का सा कलर इसका चेंज हो जाए तब तक के लिए हम इसे भूनेंगे। तो आपको कलर से नहीं लग रहा होगा कि मोमोज की चटनी इतनी अच्छी लग रही है, लेकिन रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं, इसमें फूड कलर डालते हैं, जिससे कि कलर भी बहुत ही अच्छा आता है। तो अब हम डाल देंगे मिर्ची और धनिया की डंडी, डालकर इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो बस आप कलर भी चाहते हैं तो आप इसमें फूड कलर डाल सकते हैं। तो देखिए ये भूनकर अच्छे से थोड़ी देर के लिए हम इसे भूनेंगे, और ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगेगी, तो आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। वैसे तो मिर्ची वगैरह उबाल के ही बनाते हैं मोमोज की चटनी, लेकिन ये मैं रेस्टोरेंट स्टाइल बता रही हूँ, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तभी आप कहेंगे ये कितना अच्छा बना है। तो मैंने इसमें 2 मीडियम साइज के टमाटर ले लिए, और मैंने नमक डाला है जो कि रिकॉर्ड करना भूल गई, तो आप टमाटर और नमक डाल लीजिएगा। और इसे मैंने ढककर 1 से 2 मिनट के लिए पका लिया है, ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसे भूनना बहुत ज़रूरी है, मसाले को अच्छे से आप भूनिएगा। तो अभी थोड़ा सा और पकना बाकी है, टमाटर बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट नहीं हुए हैं, तो हम इसे थोड़ी देर के लिए और ढककर पकाएंगे, जिससे कि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से पक जाए। तो बस 1 मिनट के लिए हम और ढकेंगे, ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो देखिए मसाला कितने अच्छे से भून चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, ये दबा दबा कर टमाटर को इस तरह से थोड़ी देर के लिए 15 सेकेंड के लिए और भून लेंगे, उसके बाद गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो हमने किसी बर्तन में निकाल लिया है और इसे मैंने ठंडा कर लिया है। तो अब हम इसमें एक चीज़ और ज़रूरी चीज़ मिलाएंगे, जो कि आप स्किप मत कीजिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा। तो अब हम इसे मिक्सी में डालेंगे, तो मिक्सी में डालेंगे उसके बाद ही हम एक चीज़ मिलाएंगे। तो इसे हम डाल लेते हैं, तो देखिए मैंने इसे डाल लिया है। और जो लास्ट चीज़ है, तो उसके लिए हमने 1 कप लिया है, और इसमें मैंने थोड़ा सा अरारोट डाल लिया है। अब इसमें हम थोड़ी सी पानी मिलाएंगे, बस थोड़ी सी, जितनी ग्रेवी आप उसमें रखना चाहते हैं, जितनी पतली उतनी ही पानी आप मिला लीजिए, इसी के हिसाब से मैंने अरारोट भी लिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल गुठलिया नहीं रहना चाहिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हमने जो मिक्सी में मसाला डाल के रखा था, उसमें हम इसे डाल देंगे। तो रेस्टोरेंट वाले ऐसा ही करते हैं, तभी उनकी चटनी थोड़ी ग्रेवी वाली रहती है और बिल्कुल गाढ़ी वाली रहती है, इससे बहुत ही अच्छा थिकनेस आता है अरारोट से, तो आप ज़रूर से डालें। और ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है। आप इसमें अगर कलर डालना चाहते हैं, तो जिस समय मैंने टमाटर डाला था, उस समय आप कलर को पानी में घोल लें और उसमें डाल लीजिए, ताकि कलर भी पूरा रेड रेड आएगी, रेड कलर का आप कलर डाल सकते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में। इस तरह से एक बार आप
ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो आपको ये रेसिपी अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसी तरह की मैं रेसिपी लाती रहती हूँ। तो ये देखिए देखने में ही बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो आप घर में बनाना चाहते हैं तो आप कलर मत डालिए, बिना कलर के ही बनाइए। देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। आप थोड़ी सी पतली रखना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप पानी से थोड़ा सा पानी थोड़ा ज़्यादा कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में।